दीपाल तिवटिया और आप देख रहे हैं कि डीडी भारत इन दिनों पूरी तरह से जो माहौल है वो चुनाव में हो गया है। हालांकि अभी चुनावों में वक्त है। आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जो पांचवी बार इस बार भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के लिए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यूपी में, किस तरह से व्यापारी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं और किस तरह से वो देख रहे हैं कि आगे की क्या संभावनाएं हैं, क्या कुछ बदलाव इस दौरान आया है, हम इस विषय पर भी उनसे चर्चा करेंगे। भारत का बहुत स्वागत है। आजकल जिस तरह का माहौल है वर्तमान में और जैसे कि पिछले दिनों की एक रैली यहाँ हुई है जो बहुत सफल बताई जा रही है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से, और देखा भी जाए कि काफी लोग वहां पहुंचे। ऐसे में किस तरह से आप समझ रहे हैं कि क्या वेस्टर्न में ये आपको टक्कर दे रहे हैं? इस बार लोग पूर्वांचल समाजवादी पार्टी का खेला बनने की लोकदल का खेला पहले ही बीत चुका, कांग्रेस पूरी तरीके से पहले खत्म हो चुकी है, बसपा का भी अटा पता नहीं है। अगर कहीं पूरे प्रदेश में देश में अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। ये रैलियां चुनावी बिल्कुल चुनावी बिल्कुल बच चुका है, रैलियां होती रहेंगी और ये जो सपा का लोकदल का गठबंधन ये मतलबी गठबंधन मतलबी गठबंधन एक तरफ श्री राम की सेना है श्री मोदी और श्री योगी जी की, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लोकदल कांग्रेस बसपा के काम लिए पावन रूपी राजस्वी सेना है। जनता को फैसला करना है कि श्री राम की सेना के साथ जाना है या रावण की सेना के साथ। वो रावण की सेना जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लूटा खसों का, और दूसरी रावण की सेना जिन्होंने 15 वर्ष देश को उत्तर प्रदेश को लूटा खसों का छाया उत्तर प्रदेश की जीत ली, उत्तर प्रदेश को 25 वर्ष पीछे कर दिया, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के थ्रू पैसे नहीं कमाए तो सफाई में उनका गांव सफाई में नक्सलियों का लुटाया जाता था। 5 जिलों में बिजली आती थी, 5 जिलों में विकास होता था, 70 जिलों में 70 जिलों में उत्तर प्रदेश के अंधेरा रहता था, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका था, अपराधी बेलगाम के अपराध सीमा पहुंच चुका था। ये स्थिति उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी तक होती थी। सुबह व्यापारी का डेटा उत्तर से मिले राष्ट्र में अगर पूर्ण वसूल की स्थिति गलती नहीं होती थी, लेकिन वो व्यापार को उठा दिया जाता था, वो जो वसूली करता था किसी तरीके से इकट्ठे करके देता था, फिर उस समय तक डेटा वापसी नहीं आता था। बच्चा उसकी लाभ सुनाने के बाद बड़ी स्थिति यहाँ समाजवादी पार्टी के हालात का समाजवादी पार्टी किस मुंह से जनता को इसमें जाएगी, अब किस मुंह से जनता को इसमें जा रही है। ये लोग व्यापार विरोधी है, जनता विरोधी है, किसान विरोधी है, ये लोग मतलबी है, ये समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, लोकदल हो, ये परिवारवाद पर विश्वास करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है राष्ट्रवाद पर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि ये बुल पर तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे, उनका इशारा था जो गौवंश घूम रहे हैं कि बुल पर तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, तो कैसे चीजें सुधरेंगी? न्याय का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, गाय हमारी माँ है, राष्ट्र हम कहते हैं भारत माता और गाय माता का जो अपमान करता है उसको देश में रहने का अधिकार नहीं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भारत माता को डायन तक कहा और गाय माता का हमेशा अपमान किया था, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? प्रियंका गांधी की पार्टी कांग्रेस ने अरुणाचल पर देश को लूटा का सोटा, जैसे मुगलों ने 350 वर्ष देश को लूटा, अंग्रेजों ने 250 वर्ष देश को लूटा, तो कांग्रेस ने अरुणाचल पर देश को लूटा का सोटा ठका। इसी प्रकार से बहन मायावती ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम किया और मुझे तो यहां तक सुना उनके चुनावी टिकट भी लाखों करोड़ों में बिकते हैं। समाजवादी पार्टी के राजकुमार और उनके पिता ने 15 वर्ष उत्तर प्रदेश को ठगा लूटा खसोटा
उत्तर प्रदेश देश को, उत्तर प्रदेश को 25 साल पीछे कर दिया। उत्तर प्रदेश में किसी व्यापारी की दुकान के आगे इनकी इनकी समाजवादी पार्टी के झंडे लगी गाड़ी उतर रुकती थी और उसमें लाल टोपी पहने कोई व्यक्ति उतरता था तो लगता था कोई बड़ा गुंडा आ गया, मेरे व्यापारी को भयभीत करता था, व्यापारी से उसने रंगदारी मांगता था, अब व्यापारी से ठगी करता था। यही हाल समाजवादी पार्टी के बाद अगर किसी ने पहले किया तो कांग्रेस ने उनसे पर देश को लूटा खसोड़ा ठगा है, तो ये बंटी बबली नहीं तो क्या है? इन बंटी बबली इन ठगों से उत्तर प्रदेश को निजात दिलाने के, देश को निजात दिलाने की जरूरत है। इस बंटी बबली ने देश को बहुत ही ठगा है, इनके ठगाई में हमारा हमारा देश और उत्तर प्रदेश नहीं आ सकता। मेरा उत्तर प्रदेश देवी देवताओं का देश है, यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यहाँ बौद्ध का जन्म हुआ, या इनकी ठगाई में कोई नहीं आएगा। जिन्होंने भगवान राम के श्री राम के अस्तित्व पे अस्त्र प्रसिद्ध चिन्ह लगाए, आज वही लोग जो कभी गुरु जो कभी मस्जिद और मदरसों में माता देखते थे, जो मदरसों से आतंकवाद को मदरसों के आतंकवाद को संरक्षण देने वाले आज मंदिर मंदिर जा रहे हैं, जो मंदिर पर अस्तित्व तो उठाते थे, जो भगवान श्री राम के के अस्तित्व प्रसन्नचित लगाने वाले आज सूट के ऊपर जनेऊ पहन के मंदिर मंदिर जा रहे हैं। तो ये अगर किसी की देन है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, श्री मोदी श्री योगी की देन है। क्या मंजन में भगवान श्री राम और भगवान भोले और भगवान कृष्ण याद आ रहे हैं? नहीं तो ये तो उनको ही पसंद चीज लगाते थे। ऐसे लोगों को अगर ठगा ठग नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ये तो महा ठग है भाई, ये बबली और बंटी है। इन बंटी बबली को उत्तर प्रदेश से निजात दिलाई, उत्तर प्रदेश को लूटा ठगा वो बंटी है, जिन्होंने देश को उनसे लूटा और ठगा वो बबली है। अपनी पार्टी की बंटी बबली मेरे देश मेरे प्रदेश को ठग नहीं सकते। क्या मान के चल रहे हैं कि इस बार जो गठबंधन कितनी टक्कर आपको देने जा रहा है और क्या आप मान रहे हैं कितनी सीट बीजेपी लेके आएगी? पिछली बार 312 जी हमारी 13 हमारे गठबंधन 325 सीट उत्तर प्रदेश की बेतुल जनता ने हमको दी थी। मैं पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके भी आया हूँ। आम जनमानस यही चाह रहा है कि बिगड़ा हुआ 15 साल का लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने सही किया है। 24 घंटे बिजली दी है, सड़कें दी है और कानून व्यवस्था जो बिगड़ चुकी ध्वस्त हो चुकी उसको सही किया। उत्तर प्रदेश में इस बार 351 सीटें आएंगी, 351 कमल खिलेंगे। 350 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने जा रही है। भगवान ने चाह और देवतुल्य जनता ने चाह तो 351 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। 351 कमल लेकर योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएंगे और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और जो छुटपुट कहीं कमियां रह गई हैं तो उसको भी सही किया जाएगा। और फिर दोबारे से जो कहीं बदमाशी करेगा मेरे व्यापारी को परेशान करेगा और किसी के माई के लाल ने किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया हो पिया मेरे व्यापारी को पे उंगली उठा सके उसको छोड़ा नहीं जाएगा। उसको या तो अपराधी उस अपराधी को जेल में डाला जाएगा या अमराज को पहुंचा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश को मजबूर किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत अग्रवाल सादा, जिनसे हमने खास बातचीत की। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार यूपी में कमबैक करेगी। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।